वहीं राधिका खेड़ा का कांग्रेस भवन में हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के नेता न्याय के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस भवन में बेटी सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस जांच का दिखावा कर रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नावे उन्हीं की बेटी लड़ रही है। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन भरने पर अरुण साव ने कहा कि अमेठी से भागकर राहुल गांधी वायनाड गए, अब रायबरेली की जनता तैयार बैठी है। राहुल गांधी बुरा तरह से हारने वाले हैं। कांग्रेस की राजनीति जिस प्रकार से है वो अपने परिवार से बाहर सोच नहीं सकती। कांग्रेस जनता से दूर जा चुकी है, अमेठी की जनता को धोखा मिला है, अब रायबरेली की जनता भी सबक सिखाएगी। अमेठी से भागे, वायनाड गए, अब वायनाड की जनता भी उन्हें भगाने वाली है और इसलिए पूर्वानुमान लगाकर रायबरेली जा रहे हैं, पर रायबरेली की जनता तैयार बैठी है उन्हें विदा करने के लिए। रायबरेली से भी राहुल गांधी बुरी तरह से हारेंगे, ये तय है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है, ये अपने परिवार से बाहर सोच नहीं सकते हैं, जनता के बारे में सोचने का इनका स्वभाव नहीं है, इसलिए जनता से दूर जा चुके हैं और अमेठी की जनता को इतने साल तक धोखा दिया, शोषण किया और इसलिए दोबारा हिम्मत नहीं है अमेठी जाने की। पर रायबरेली की जनता भी गांधी परिवार की असलियत जान गई है, गांधी परिवार की को रायबरेली की जनता भी सबक सिखाने को तैयार है।